Hi everyone, my name is Sivanjali Singh. Welcome to my channel Management E-Learning. In this lecture, we talk about models of SHRM. Here we will cover four model of HRM, that is Fordham model, Harvard model, Guest model and the Warwick model. These models help to explain the role of HR in the business, what HR role is, how HR adds value to the business and how the business influences the HR. Okay, this HR model is also called HR framework. Here some characteristics, some basic purpose and objective of HRM model. HRM model provide an analytical framework for study the HRM. For example, situational factor, stakeholder, strategic choice, competence, they validate the certain HRM practice. It tells us which HRM practice best for use according to organization and situation. They provide a characterization of human resource management that establishes variables and relationship to the researcher. They serve as a heuristic device, something to help us discover and understand the world for explaining the nature and significance of key HR practice. The goal of creating HRM model is to help the companies manage their workforce in most efficient and effective manner. Okay? क्या पर्पस है इस HR मॉडल का? क्यों HR स्पेशलिस्ट या HR मैनेजर को ये HRM का मॉडल डिटेल में स्टडी करना चाहिए? बिकॉज ये HR मॉडल जो है वो डिफाइन करता है रोल ऑफ HR. HR का क्या रोल है, क्या प्रैक्टिस है, किस इफेक्टिव वे में इस प्रैक्टिस को हम लोग लेके आ सकते हैं, कैसे हम लोग मोर एंड मोर टैलेंट को एक्वायर कर सकते हैं. ओके, एंड हाउ दे एड वैल्यू टू देयर बिजनेस. ये मॉडल जो है हमारा HRM का जो मॉडल है वो बताता है कि कैसे हम बिजनेस में अपना वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं. ओके, एंड हाउ बिजनेस इन्फ्लुएंस द HR. ठीक है, ये हमारे HRM के स्टडी के लिए हेल्पफुल है. सर्टेन वैलिडिटी HRM प्रैक्टिस मॉडल ने दिया है जो हमारे अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन नेचर एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं. और हमारा HRM मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का या HR का, ह्यूमन रिसोर्स का, उनके वर्कफोर्स को मोर इफेक्टिव और इफिशियंट वे में मैनेज कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट मॉडल इज फॉर्ब्रम मॉडल. हमारा ये फर्स्ट मॉडल है फॉर्ब्रम मॉडल. इस मॉडल में उन्होंने फोर बेसिक फंक्शन ऑफ HRM का बताया है. वो है सेलेक्शन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अप्रेजल एंड रिवॉर्ड. तो इसमें बेसिकली ये फोर फंक्शन के बारे में उन्होंने बताया है, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड टू इच अदर. एंड दिस ऑल फोर फंक्शन ऑफ HRM विच आर इंटर रिलेटेड टू इच अदर गिव द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मॉडल. जो ये मॉडल आया था 1984 में, विच इम्फेसाइजेस जस्ट फोर फंक्शन एंड देयर इंटर रिलेटनेस. ओके, दिस फंक्शंस आर सेलेक्शन, अप्रेजल, डेवलपमेंट एंड रिवॉर्ड. ओके, यस. उसके बाद फिर ये इसका ड्रॉबैक क्या है? फॉर्ब्रम मॉडल इज इनकम्प्लीट एज इट फोकस ऑन ओनली दी फोर फंक्शन ऑफ HRM. अदर जितना भी HRM का फंक्शन है उसको उन्होंने इग्नोर किया है. ओनली दे फोकस ऑन फोर फंक्शन ऑफ HRM, दैट इज द सेलेक्शन, अप्रेजल, डेवलपमेंट एंड रिवॉर्ड. And ignore all environmental and contingency factor which give impact to HR function. उन्होंने सिर्फ फोर HR function के बारे में बताया है, उनका interrelation बताया है, कैसे वो organization के effectiveness में contribute करते हैं वो बताया है. ये model incomplete है क्योंकि ये ignore किया है environmental factor को और other HRM practice को. okay? Another model is Harvard framework. In this model, we will study the six factor. Okay, six component: stakeholder interest, situational factor, HRM policy, HRM outcome, long term consequence, and this is the feedback loop.
this line is the feedback loop. Okay, first one is this shareholder interest. इसमें हम लोग शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को स्टडी करेंगे. शेयर होल्डर होता है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी में इंटरेस्ट रखता हो, जो अपना मनी लगाता है. एम्प्लॉय हो गए, शेयर होल्डर हो गए, स्टेक होल्डर के अंदर शेयर होल्डर आ गए, मैनेजमेंट आ गया, एम्प्लॉय आ गए, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, कस्टमर. सो दिस ऑल कम अंडर द स्टेक होल्डर. ओके, सिचुएशनल फैक्टर क्या होता है? सिचुएशनल फैक्टर के अंदर हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट स्टडी करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एचआर. इसके अंदर हम लोग को देखना होगा वर्कफोर्स क्या है, बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, मैनेजमेंट फिलॉसफी, लेबर मार्केट, यूनियन, टास्क एंड टेक्नोलॉजी, लॉ एंड सोसाइटल वैल्यू. दिस ऑल कम अंडर द सिचुएशनल फैक्टर. सो दिस कंपोनेंट, दिस बोथ कंपोनेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एचआर पॉलिसी और एचआर प्रैक्टिस. ओके, सो इन एचआरएम पॉलिसी के अंदर जो प्रैक्टिस करते हैं, बेसिक कोर फंक्शन जो है हमारा एचआर का, दैट इज द एम्प्लॉय इन्फ्लुएंस, ह्यूमन रिसोर्स फ्लो, रिवॉर्ड सिस्टम, वर्क सिस्टम. सो दिस बोथ फैक्टर, जो स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट क्या है और सिचुएशनल फैक्टर को एनालाइज करके इन दोनों का इन्फ्लुएंस एचआर पॉलिसी में क्या आ रहा है, फिर एचआर पॉलिसी का आउटपुट क्या आ रहा है. ठीक है, तो ये आउटकम इन फॉर्म ऑफ कमिटमेंट, कॉम्पिटेंसी, कॉन्ग्रुएंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस. एम्प्लॉय कितने कमिटेड है आपके, कॉम्पिटेंस दैट मीन्स कितने स्किल्ड, नॉलेजेबल, टैलेंटेड एम्प्लॉय हैं, टीम हमारा कितना टैलेंटेड है. कॉन्ग्रुएंस दैट इज द कंपैटिबिलिटी, कितना तालमेल बैठा के वो लोग काम कर रहे हैं, टीम में कैसा उनका तालमेल है, रिदिंग है, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसा उनका एक कंपैटिबिलिटी है. देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस. ओके, अगर एम्प्लॉय कमिटेड हैं तो सेटिस्फाई हैं, टैलेंटेड हैं, तो उनको रिटेन करके रखना है, दैट इज हेल्प इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस, दे गिव एड द वैल्यू टू द बिजनेस. ओके, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा, इंडिविजुअल वेलबींग्स, जो एम्प्लॉय है उनका करियर ग्रोथ, उनका इंडिविजुअल उनका ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. ये एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, वैल्यू एड करता है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में. सो दैट इज गिव द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस और एट लास्ट सोसाइटल वेलबींग्स. ओके, दिस मॉडल प्रपोज बाय द बियर. सो दिस मॉडल टॉक्स अबाउट द सिक्स क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एचआरएम. The dimension include in model are stakeholder, interest, situational factor, HRM policy choice, HR outcomes and long term consequence, and sixth one is feedback loop. Okay, so first one is the stakeholder interest, which include the shareholder, management, employee, government and more. Stakeholder वो होता है जिसका इंटरेस्ट होता है कंपनी में. स्टेक होल्डर आपका शेयर होल्डर भी हो सकता है, जो मनी लगाते हैं. ठीक है, मैनेजमेंट, होल मैनेजमेंट है, इम्प्लॉई हो सकते हैं आपका, ये गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट होगी, फिर आपका कम्युनिटी होगा, सोसाइटी होगा, कस्टमर होंगे. ठीक है, उनके इंटरेस्ट को हम लोग इस मॉडल में डिफाइन करते हैं, विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एचआरएम पॉलिसी. ठीक है, सेकेंड वन इज सिचुएशनल फैक्टर, विच इंक्लूड द इंटरेस्ट, विच इन्फ्लुएंस दिस इंटरेस्ट, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट. ओके, एंड दिस सिचुएशनल फैक्टर इज वर्कफोर्स कैरेक्टराइजेशन, यूनियन, लॉ, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी. ठीक है, देन थर्ड वन इज एचआरएम पॉलिसी एंड एचआरएम प्रैक्टिस. सिचुएशनल फैक्टर एंड स्टेक होल्डर इंटरेस्ट बोथ इन्फ्लुएंस द एचआरएम पॉलिसी. ठीक है, इसके अंदर हमारा कोर फंक्शन ऑफ एचआर एक्टिविटी आ जाता है. उसके इसमें क्या, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, रिवॉर्ड सिस्टम, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा. ठीक है, इसको फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. एचआर फ्लो इन टू थ्रू एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे रिक्रूट करना है, स्टाफिंग, एचआरएम प्लानिंग, देन रिवॉर्ड सिस्टम डिजाइन टू अट्रैक्ट, मोटिवेट एंड कीप एम्प्लॉय. ओके, क्या कंपनसेशन कैसे देना है, कैसे मोटिवेट करना है, कैसे रिटेन करना है हमें अपने एम्प्लॉय को.
then employer influence, controlling level of authority, power and decision making. Work system, define and design the job to get the most productive result. ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो टैलेंट के अकॉर्डिंग हम लोग को जॉब डिफाइन करना है. एचआर प्रैक्टिस और एचआर पॉलिसी जो हमारे इस मॉडल में था, अब वो क्या देगा, एचआर एम आउटकम देगा. ठीक है, इस आउटकम में क्या क्या कवर होगा, आपका ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कमिटमेंट, कॉम्पिटेंसी, कॉन्ग्रुएंस एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस में आपका लॉन्ग टर्म इंडिविजुअल ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड सोसाइटल ग्रोथ. एंड सिक्स्थ वन इज फीडबैक फ्लो. ठीक है, दिस इज द फीडबैक फ्लो. सो हियर बोथ स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, सिचुएशनल फैक्टर इन्फ्लुएंस द एचआरएम पॉलिसी. दिस एचआरएम पॉलिसी इन्फ्लुएंस द एचआरएम प्रैक्टिस. The core function of HR, which give the HRM outcomes. These outcomes come in form of commitment, competency, congruence, cost effectiveness, and this give the long term consequence. Okay, individual well being, organizational effectiveness, and societal well being. Okay. Another model is guest model. This model developed by David Guest in 1997. Okay, here he has given the six dimension for analysis, that is HRM strategy, HRM practice, HRM outcome, behavioral outcome, performance outcome and financial outcome. Okay, this model claimed that HR manager has a specific strategy to begin with and which demands certain practice. When execute will result in outcome. This outcome include the behavioral, performance related and financial reward. ये बोलता है कि HR manager जो है, ये model बोलता है कि HR manager के पास कुछ strategy होना चाहिए, जिसको हम लोग HRM strategy कहते हैं, जो हमारी HR practice को link करना है उस HR strategy से, which give the result in the form of outcome. और ये जो outcome है उसको four part में divide किया गया है. That is HRM, behavioral, performance and finance. ठीक है, तो ये हमारा guest model of HRM है. यहाँ पे जो HR manager है वो HRM strategy को HRM practice, जो हमारा core function है HR का, उससे link कर रहे हैं और हमारा result outcome के form में आ रहा है. इस outcome को four part में divided किया गया है. ठीक है, main diagram आपका ये है, इसमें एचआर स्ट्रैटेजिक एचआरएम को लिंक कर रहे हैं एचआरएम प्रैक्टिस से, एचआर के कोर फंक्शन से. दिस इज द हायरिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एचआर प्लानिंग, कंपनसेशन, एम्प्लॉय मोटिवेशन, एंगेजमेंट, अप्रेजल एंड लेबर रिलेशन. दिस ऑल आर द कोर फंक्शन ऑफ एचआर. सो हियर एचआर मैनेजर इज लिंकिंग द स्ट्रैटेजी विद एचआरएम प्रैक्टिस और कोर फंक्शन ऑफ एचआर, which come the result, which give the result in the form of outcomes. That is the HRM outcome is commitment, quality, flexibility. Okay, और भी इसके अंदर आ जाएगा आपका ये commitment आ जाएगा, congruence आ जाएगा, फिर आपका ये cost effectiveness आ जाएगा. yes, behavioral outcome में आ जाएगा आपका कि employee कितने motivated हैं, कितने cooperative हैं, organizational citizenship. हाँ, परफॉर्मेंस आउटकम में प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, क्वालिटी, टर्नओवर. यस, फाइनेंशियल आउटकम में प्रॉफिट. यस एंड यस आरओआई. ठीक है, लास्ट मॉडल इज वॉर्विक मॉडल. ये वॉर्विक मॉडल इज वॉज डेवलप्ड बाय टू रिसर्चर, हेनरी एंड पेटिग्रू ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक, इसलिए इसका नाम वॉर्विक मॉडल पड़ा है. ठीक है, वॉर्विक प्रपोज द सेंटर अराउंड द फाइव एलिमेंट. इसने भी पांच एलिमेंट दिया है इस मॉडल में. दैट इज, फर्स्ट वन इज द आउटर कॉन्टेक्स्ट, इनर कॉन्टेक्स्ट, देन बिजनेस स्ट्रेटजी, देन एचआरएम कॉन्टेक्स्ट एंड एचआरएम कॉन्टेंट. ठीक है,
Strength of this model is that identify and classify